ये दोनों पंगे जो हुए ना, बात बोलू क्या, अगर मेरी जगह पे आप रहते ना, मैं भी सेम करता। दोस्तों एमसी स्टैन ने कुछ ऐसा कर डाला है जिन्हें कि सब लोग, यानी एमसी स्टैन के जो फैंस हैं सब लोग बहुत खुश हैं और उनको सराहना भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन मंडली के जो सदस्य हैं साजिद खान, और वो भी हेडमास्टर है। जी हाँ दोस्तों, और साजिद खान को मंडली की कोई भी ऊंची आवाज तो दूर की बात है, कुछ कोस भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों पिछला एपिसोड में हमें देखा एमसी स्टैन ने डायरेक्टली साजिद खान को एक हाथ में लिया। जी हाँ दोस्तों, साजिद खान को डायरेक्टली कहा कि आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, आप जो बोले हो वो उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साजिद खान के ऊपर बोलने का किसी को साहस नहीं है, ऐसे कि उनके ओपोनेंट वाले को भी। अर्चना कभी कभार बोल देती है लेकिन बाद में वो भी चुप हो जाती है, क्योंकि बाहर निकल के भाई काम तो करना है ना, और साजिद खान को बाहर के सभी लोग पहचानते हैं, और वो अगर किसी के ऑपोज में चला जाए तो उनका खैर नहीं, तो सब लोग साजिद खान के अंदर पर रहते हैं। लेकिन एमसी स्टैन ने अच्छी तरीके से समझा दिया, भाई सबके साथ करो मेरे साथ नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे कमेंट का।